हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम कौन से ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। और आगे के एनालिसिस डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ में थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी और उसको प्राइस ने किस तरीके से रिस्पेक्ट किया। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है और बहुत ही सिंपल एनालिसिस हमने यहाँ पर किया होता। हमने सिंपल यहाँ पर क्या बात की हुई थी, प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव लगाया, उसके बाद में प्राइस यहाँ पर से रिट्रेसमेंट ले रहा है। इसी वजह से सिंपल हमने क्या किया, एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दिया। एंड देन मार्केट अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्राइस बहुत टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा। प्राइस काइंड ऑफ यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था। प्राइस 0.5 पर रेजिस्टेंस ले रहा था और ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर देख सकते हो कि एज अ सपोर्ट का काम कर रही थी। बट प्राइस ने आज इसका ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक अवे गैप डाउन ओपनिंग करके यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर दिया। देन यहाँ पर हमने एक कंसोलिडेशन देखा एंड अगेन हमने यहाँ पर से प्राइस को एक बुल रैली लगाते हुए देखा। अभी यहाँ पर से आगे का एनालिसिस क्या होगा, सिंपल अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये फिबोनाची के लेवल्स अभी यहाँ पर काम नहीं करने वाले। तो मैं सिंपल क्या करना चाहूंगा, ये लेवल्स यहाँ पर से हटाना चाहूंगा और कुछ फ्रेश लेवल्स आपके साथ में यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइजिंग चैनल पैटर्न ड्रॉ करेंगे। ये जो यहाँ पर हाइज लगे इसको मैं यहाँ पर टॉप को कनेक्ट कर दूंगा और सिंपल हमें यहाँ पर डाउन साइड में ड्रैग करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस अभी कहाँ पर है, प्राइस ये जो राइजिंग चैनल पैटर्न बन रहा है इसके एग्जैक्टली सपोर्ट पे यहाँ पर ट्रेड कर रही है और यहाँ पर भी हमें एक बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न दिख रहा है। अभी वो पैटर्न कौन सा है वो दिखाने के लिए सिंपल अगर हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर हम 4 आवर के भी टाइम फ्रेम में चलेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर से शायद हमें एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है क्योंकि प्राइस एक कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। ऐसे नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पर से नीचे ही चले जाएगा, हो सकता है कि मार्केट एक पुल बैक ले उसके बाद में अगेन नीचे गिरे, ये हो सकता है। बट यस, प्राइस में यहाँ पर से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अभी वो सिंपल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ब्रॉडनिंग ट्रायंगल पैटर्न की जो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन थी, आज उस लाइन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही अच्छा शॉर्टिंग का भी ट्रेड बना, हमने यहाँ पर से बहुत ही अच्छा फॉल भी देखा, बट प्राइस ने यहाँ पर हमारे राइजिंग चैनल पैटर्न के सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लिया। और अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट कर दिया। अभी यहाँ पर से आगे का एनालिसिस सिंपल क्या बनता है, तो यहाँ पर से मैं बुलिश ट्रेड्स ढूंढना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी प्राइस यहाँ पर सपोर्ट पर है, ऑलरेडी हमने एक अच्छा बहुत ही अच्छा फॉल देखा हुआ है। बट लेवल बेस यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करना चाहूंगा। सिंपल आप ये लेवल पकड़ सकते हो जो गैप वाला लेवल है, अगेन प्राइस जहां पर रेजिस्टेंस ले रही थी ये वाला लेवल पकड़ सकते हो। जैसे ही प्राइस इन लेवल्स का ब्रेकआउट करेगी, अगर प्राइस यहाँ पर से ब्रेकआउट करती है तो कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से मैं इन लेवल्स के ऊपर लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा। और अगर आपको और भी एक्यूरेट लेवल चाहिए तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले सकते हो और यहां पर पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। तो आप यहां पर देख सकते हो 0.382 ऑलरेडी यहां पर कोइंसाइड कर रहा है। तो इन लेवल्स के रेफरेंस से मतलब 0.382, 0.5 एंड 0.618 इन लेवल्स के रेफरेंस से बहुत ही अच्छे लॉन्ग के ट्रेड्स यहां पर प्लान कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट उल्टा नीचे आता है, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टेड राइजिंग चैनल पैटर्न का सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन। बट अगर प्राइस नीचे आकर उस लेवल का ब्रेक डाउन कर रहा है तो ऑब्वियसली हम कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, मार्केट यहाँ पर से नीचे गिर सकता है। हमें सिर्फ लॉन्ग के डायरेक्शन में बायस नहीं होना है, अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ में कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर से निफ्टी का एनालिसिस। अभी सिंपल यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है क्योंकि प्रीवियस एनालिसिस में बैंक निफ्टी में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के बारे में बात की हुई थी। आप ये वाली ट्रेंड लाइन देख सकते हो कि प्राइस जो है वो एवरी टाइम जब भी इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है यहां पर सपोर्ट ले रहा है, एवरी टाइम यहां पर से रेजिस्टेंस ले रहा है। मल्टीपल टाइम प्राइस ने यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया हुआ है और अभी भी प्राइस यहां पर वो सपोर्ट ले रहा था। बट अगर आप थोड़ा सा ये वाला प्राइस एक्शन देखोगे तो प्राइस ने आज इसका ब्रेक डाउन कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छे कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है। कैंडल ने ब्रेक डाउन नहीं किया, यस, बट ब्रेक अवे गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पर से दिखी है और इसी वजह से आगे आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे ट्रेड्स भी बन सकते हैं। तो जैसे मैंने
आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब भी प्राइस इस लेवल के ऊपर है मेरे लिए प्राइस बुलिश है, बट अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रही है तो ऑब्वियसली हमें कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी सिंपल हमें यहाँ पर पुल बैक ढूंढना है, छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर से कंफर्मेशन ढूंढना है। तो अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पर पुल बैक पे बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला था। उस ट्रेड का रिव्यू का वीडियो मैं कल पोस्ट करने ही वाला हूँ, बट अगर आपने आज शॉर्टिंग के डायरेक्शन में मतलब पुट के डायरेक्शन में बाइंग का ट्रेड लिया होगा तो आपको पता होगा कि पुट के प्रीमियम्स इतने अच्छे से बढ़ नहीं रहे थे, तो इसी वजह से वहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड है, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाकर कल पोस्ट करने वाला हूँ। बट अगर अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट इतने अच्छे से नीचे नहीं गिर रहा था, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर से ब्रेक अवे गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी है, निफ्टी में अच्छा फॉल हमने देखा, बट बैंक निफ्टी में इतने अच्छे मोमेंटम के साथ में मार्केट नहीं गिर रहा था, मार्केट यहाँ पर दिन भर साइडवेज रहा। अभी सिंपल यहाँ पर मैं क्या देखना चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा पुल बैक देखना चाहूंगा इस वाले जो इंपॉर्टेंट हमारी ट्रेंड लाइन है। एक्चुअली एक ट्रेंड लाइन नहीं है, यहाँ पर एक जोन है जो एक ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रहा है। वहां पर जाने के बाद में यहाँ पर मैं कोई रिवर्सल पैटर्न ढूंढना चाहूंगा। अगर मार्केट यहाँ पर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाए या फिर डबल टॉप पैटर्न हो जाए, ये बना देता है और इसका ब्रेकडाउन कर देता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज लिए जा सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है या फिर रेंज में ओपन होकर हमारे आज के दिन का लो का ब्रेकडाउन करता है, तो ऑब्वियसली इस लेवल के नीचे भी बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। बट यस, बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन किया है, हमें एक पुल बैक हो जाए या फिर ये लेवल का ब्रेकडाउन हो जाए ये देखकर बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के ट्रेड्स बन सकते हैं। और उसके साथ में और एक अच्छा ट्रेड बन सकता है कि फेक ब्रेकडाउन का, जैसे हमने बात की यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन तो देखा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, बट उतने अच्छे मोमेंटम के साथ में मार्केट नीचे की नहीं गिर रहा है। हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकडाउन हो, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, ये जो हॉरिजेंटल लेवल है ये मार्क कर सकते हो, और जैसे प्राइस इन हॉरिजेंटल लेवल्स के ऊपर निकलेगा हम कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बट मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है ये डेली टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन है, इससे हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करना है। अगर यहां पर आपको कोई ट्रेड लेना है तो आपको 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले प्रीवियस लेवल्स यहां पर ड्रॉ करने पड़ेंगे, फिबोनाची लेवल्स यहां पर ड्रॉ करने पड़ेंगे, उसके बाद में आप ले सकते हो। या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहां पर जब भी प्राइस आएगी तब यहां पर आप कोई रिवर्सल पैटर्न का या फिर बुलिश पैटर्न का वेट कीजिए, देन उस पैटर्न को ट्रेड कीजिए, ना कि ये डायरेक्टली लेवल्स को, यहां पर आपके बहुत ही ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो ये मेरे तरफ से एक छोटी सी टिप रहेगी, ठीक है। तो यही पूरा एनालिसिस बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।